नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज चौथा स्तंभ सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार पत्रकार सुरक्षित कब नजर आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह में पत्रकार के साथ अभद्रता का यह दूसरा मामला सामने आया है, जहां विगत दिनों एक महिला अधिकारी ने पत्रकार के साथ अभद्रता की, जिसके विरोध में सीहोर जिले के पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई थी। हालांकि यह मामला ठंडा ही नहीं हुआ कि फिर नसरुल्लागंज में पत्रकारों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार द्वारा थाने पहुंचकर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर एवं SDOP आकाश अमलकर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की। दरअसल यह मामला नगर की अशासकीय विद्यालय में बिना दस्तावेज के बसें संचालित की जा रही हैं, जिसकी खबर पत्रकारों द्वारा लगातार प्रकाशित की गई। फिर जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी के संज्ञान में मामला आने के बाद जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नसरुल्लागंज पहुंचकर बसों की चेकिंग की गई। इस दौरान स्कूल में संचालित हो रही बसें जो कि अपूर्ण दस्तावेज की पाई गई, जिन पर कार्यवाही की गई, परंतु कवरेज करने के दौरान बस संचालक द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए अपशब्दों का उपयोग किया गया और मारने पर भी उतारू हो गए, जिसके बाद पत्रकारों द्वारा थाने पहुंचकर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया। वह पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ की। वहीं जानकारी देते हुए पत्रकार घनश्याम शर्मा ने बताया, मुझे जिला परिवहन अधिकारी की जानकारी ली गई तो बताया कि जिला परिवहन अधिकारी स्कूल वाहनों की चेकिंग करने आ रहे हैं, जिसके उपरांत सभी पत्रकार साथी आकाश कलमोर भोपाल रोड के वर्मा फिलिंग स्टेशन पर पहुंचे, जहां पेट्रोल पंप पर खड़ी स्कूल बसों पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही थी, जिसका कवरेज कर रहे थे। तभी पेट्रोल पंप संचालक राजेश वर्मा पिता मदनलाल वर्मा भड़क गए और डंडे से हमला करने की कोशिश की एवं पत्रकार साथी आकाश कलमोर को जाति सूचक गालियां दी गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर SDM SDOP के नाम ज्ञापन सौंपा गया और कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। अगर कार्यवाही नहीं की गई तो पत्रकार संघ द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। नहीं, किसने अभद्र व्यवहार किसने किया? चेकिंग के दौरान, ये जब बस की चेकिंग चल रही थी उस दौरान इन्होंने कवरेज करने गए थे तो इनने अभद्र व्यवहार की ना। किसके साथ करी? दो घनश्याम भाई क्या क्या हुआ था सर? हम कवरेज करने गए थे, आईटीओ गाड़ी आई थी। आरटीओ भी थे क्या? नहीं, वो पीछे थे, उससे पहले हम पहुंच गए थे कवरेज के लिए। हम वीडियो फोटोज बना रहे थे और वो वहां के दौड़ा और हम फिर वहां से भाग लिए, वीडियो बना नहीं पा रहे।